जिला अधिकारी व पुलिस अधीक्षक के आदेश पर कोतवाली पुलिस की हीला हवाली व शिथिलता के चलते न्याय को भटक रहा है पीड़ित। योगी टू सरकार के माफियाओं व दबंगों पर प्रदेश भर में अंकुश लगाए जाने के दावे हो रहे हैं, पर कायमगंज पुलिस की कार्रवाई करने में शिथिलता क्यों हो रही है, यह संकोच का विषय है। आपको बता दें कि कायमगंज नगर के मोहल्ला नई बस्ती निवासी मोहम्मद मियां ने अभिषेक वर्मा पुत्र मोतीलाल वर्मा निवासी बजरिया से दुकानें खरीदी थीं, जिस पर मोहम्मद मियां ने कब्जा भी लिया था, विद्युत कनेक्शन भी हुआ, किंतु पुलिस की लापरवाही के चलते मोहम्मद मियां की दुकान के ताले तोड़कर उमेश सर्वेश राजेश पुत्र प्रेमचंद निवासी मेहंदीबाग ने अभिषेक वर्मा की सह पर कब्जा कर लिया और अपनी दुकानों पर कब्जा पाने के लिए मोहम्मद मियां अधिकारियों की ड्यूटी के चक्कर काट रहे हैं, पर बेचारे पीड़ित को न्याय नहीं मिल पा रहा। क्या नाम आपका, क्या मामला? अब देखना है कि क्या कह रहे थे जिला अधिकारी फरुखाबाद, क्या मामला है आपका, बा पुलिस अधीक्षक इस पीड़ित को न्याय दिला पाएंगे या यूं ही वह अधिकारियों की ड्यूटी के चक्कर काटते रहेगा। और जो है अब ये लोग मेरी दुकान का एक दुकान का ताला तोड़ के राजेश सर्वे सुमेश को कब्जा करा दिया और दुकान खोलने के उसमें मतलब जो है मुझसे ये पैसा मांगते हैं। मेरे पास सीसीटीवी कैमरे की सब फुटेज है और सब उच्च अधिकारियों से मैंने शिकायत की, लेकिन पुलिस प्रशासन जो है मेरा कोई सहयोग नहीं कर रहा है। आजकल टाला मटोल कर रहे हैं, मेरी रिपोर्ट कहीं नहीं लिखी नहीं गई। DMSP से मिले थे आप? हम सबके पास गए और CO साहब के लिए उन्होंने लिखा, CO साहब उसकी देख रेख कर रहे हैं, लेकिन वो भी हम 2-3 बार वहाँ गए, वो आजकल टाल मटोल कर रहे हैं। कोई कार्रवाई की गई CO साहब वगैरह? हमारे समय अभी कोई कार्रवाई नहीं करी गई। हम कह रहे हैं कि हमारी रिपोर्ट लिख जाए, आज तक हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। हम शिकायत मंडी चौकी लेके गए तो हमारे ऊपर 116 की कार्रवाई और कर दी। पुलिस वगैरह कोई जांच करने आए थे? जहाँ पुलिस जांच करने आई थी हमने उन्हें पूरा प्रकरण बताया, लेकिन ये नेता नदी हो जाती है, सब काम जो है ख़त्म हो जाता है। पुलिस का क्या कहना है? पुलिस ने तो हम थाने गए, कुछ नहीं हुआ, चौकी गए, 116 की कार्रवाई कर दी, फिर हम वहाँ गए, वहाँ से जाँच आई, यहीं भी टाला मटोली हो रही रोज़। TV के कैमरे की फुटेज भी है, हमने कैमरा बाद में लगवाया है कि ये लोग आए दिन जो आते थे शराब पी के जो है हमारी जेब से पैसे निकाल लेते थे और दुकानें अगर खोलोगे तो पैसा मांगते थे, गली में से निकलोगे तो पैसा मांगते थे। ये हमसे रंगदारी है मांगते हैं। कौन कौन रंगदारी मांग रहा है? देखो अभिषेक वर्मा और उनके संग में अज्ञात लोग आते हैं, बहुत से लोग आते हैं, और राजेश सर्वेश उमेश पुत्र प्रेमचंद। दुकान में वर्तमान कौन कब्जा किए हुए हैं? पहले तो तीनों दुकानों पर हमारा कब्जा था, अब एक दुकान पे अभिषेक ने जो है इन लोगों को, हम शाम को दुकान बढ़ा के गए, इन लोगों ने दुकान का ताला तोड़ के उसमें करीब 3-4 लाख रुपए का हमारा सामान था, इन्होंने जो है उस पर ताले डाल दिए। अब हमसे पैसा मांग रहे हैं कि हमें पैसा दो, जो है तुम्हें मद्दी दुकान दी है, पैसा दे दोगे तो तुम्हें दुकान जो है तुम्हारी मिल जाएगी। पुलिस हमारी कोई सुन नहीं रही है, हम हर जगह भाग दिए। कितना पैसा मांग रहे हैं? हमसे कम से कम 8 लाख रुपए तो अभिषेक वर्मा हमसे ले चुका है रंगदारी के रूप में, उसकी पीछे ज़मीन पड़ी कि हम तुम्हें ज़मीन दे देंगे, और ये लोग जो है 4 लाख रुपया मांग रहे हैं कि हमें 4 लाख रुपया दो तो हम तुम्हारी दुकान तुम्हें लौटा देंगे। और अभिषेक वर्मा दुकान खोलने के नाम पे 18,000 रुपये महीना उसे चाहिए। PM साहब के पास गए, हमने वहाँ रोए धोए, वहाँ उनसे किया, उन्होंने आदेश भी करा, लेकिन CO साहब जो है आज का कल कर रहे हैं, हमारी रिपोर्ट कहीं भी नहीं लिखी गई।